सदन विशेषतः विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी। एंड टुडे ऑफ ऑल द डेज पीपल लाइक यू नीड टू रिमेंबर व्हाट वाज टोल्ड टू द ब्रिटिश। क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, मेरिट नाउ फाइंड्स प्लेस इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की, अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। एक मिनट माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करना तरीका ठीक नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए, आपने अपनी बात कही है, यह तरीका ठीक नहीं है। नो गलत तरीका है आपका, नो गलत तरीका है आपका। स्मृति जी, पुनः कहती हूं अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन ना पाए हो, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है, पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूँ हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है।
ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय, ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी, गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है, सारी बातें करूं, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है, उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी, 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंगरेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा। हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलीव सलीव गलीव। पुनः कहती हूँ, रलीव सलीव गलीव। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले, रलीव सलीव गलीव। या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है, उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना। मैं आज कहती हूं, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में, मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़क कर उसको आग लगा दी गई। और आज भारत की बात करते हैं, कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन।
आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का, 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूँ कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलीव सलीव गलीव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। आज कई यहाँ पर बहनें उपस्थित हैं जो वहां से अपनी आक्रोश को और राहुल जी के प्रति समर्थन को व्यक्त कर रही हैं। 84 के दंगों का विवरण सुनकर, गिरिजा टिक्कू का विवरण सुनकर, और मैंने स्वयं अध्यक्ष जी मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं, ना सिर्फ इसका वहां पर निवेदन किया बल्कि वो लोग पकड़े गए, सीबीआई की इंक्वायरी जारी है। लेकिन जो आज यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, और जो चले गए, उन्होंने कहा वो राजस्थान गए, और राजस्थान में क्या हुआ महोदय? गिरिजा टिक्कू को तो 90 के दशक में आरी से काट दिया गया था। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। इस सदन से दो महिला एमपीज उस परिवार से मिलती हैं। बच्ची जब जिंदा थी गैंगरेप के बाद महोदय, उसे काटा जाता है, फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। ये इन महिला सांसदों का वक्तव्य है कि जिस बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं न्याय की गुहार, इन्होंने तब नहीं लगाई जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ, कोर्ट में केस लंबित है, इनका दिल नहीं दहला? और पूछ रहे थे कि मणिपुर के बारे में आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने प्रस्तावना की उनसे कहती हूँ, नल्ली का मैसिकर हुआ, 5 मिनट के लिए कांग्रेस की एक नेत्री गई, लेकिन इनका क्या रुख था तब? 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है ना इंटेलिजेंस दे रही है, कोकराझार की बात करते हैं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का वक्तव्य है। कोकराझार में हिंसा होती है, धुबड़ी में 3-3 महीने कर्फ्यू रहता है। आज महोदय, जो लोकतंत्र की दुहाई दे चुके हैं, हम बार बार इस सदन में बार बार इमरजेंसी की गाथा को याद करते हैं। इस सदन में हम लोग बार बार उन नेताओं को,
उन सामाजिक संस्थाओं को, उन मीडिया के बंधुओं को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे जबरन बंद की गई उसको, इस पर विस्तृत चर्चा होती है। लेकिन इमरजेंसी के कालखंड में साधारण महिला का इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया। स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया, और इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो सोशलिस्ट थी, भाजपा ही नहीं थी, सोशलिस्ट थी। और जब बंद किया 2 मई 1976 को, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डायरी में लिखा, और मैं कोट कर रही हूं जो पब्लिकली अवेलेबल है, एज अ वुमन कम्स इन शी इज स्ट्रिप्ड नेकेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स, व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज सेंटेंस्ड इज द पनिशमेंट नॉट इनफ, मस्ट द ह्यूमन बॉडी बी डिग्रेडेड एंड ह्यूमिलिएटेड। ये स्नेहलता रेड्डी के शब्द है जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए। June 6, 1974 में स्नेहलता रेड्डी लिखती है दैट एटलीस्ट आई हैव अचीव्ड समथिंग हियर, आई हैव स्टॉप्ड द हॉरिबल बीटिंग्स द विमेन प्रिजनर्स यूज्ड टू गेट। ये कांग्रेस का इतिहास है, और ये भारत की बात करते हैं। अस्थमा की पेशेंट थी ये महिला, जेपी जी को तो डायलिसिस ना करने दिया, अस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी, वो 2 बार एस्थमेटिक कोमा में गई, और एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पेरोल पर उनको 15 जनवरी 1977 में छोड़ा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था, और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है, और जिनकी हत्या हुई आज वो इनको कटघरे में नहीं ला सकते, इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूं, उनके बारे में बोल रही हूं। चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो, महिलाओं मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धे राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये हम नहीं, भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या, क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, पढ़ते जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था, मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में KPMG की एक रिपोर्ट है जो इनके कार्यकाल से संबंधित है, जो कहता है कि करप्शन की वजह से यूपीए की कार्यकाल में हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ को 9% का नेगेटिव इंपैक्ट होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बोल रही थी, लेकिन ये चुप थे, आज भी चुप हैं। जो लोग जीरो लॉस थियरी सिखाते थे, आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोयला घोटाले के लिए सजा हुई है और वो चुप है, लेकिन चुप। और बहुत सारी चीजों में रहे महोदय, 2005-06 में यूपीए की सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 2005-06 में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ज्ञात हुआ है, लेकिन ये चुप थे। 2010 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा, इनकी तब सरकार थी,
कि स्वच्छता ना होने की वजह से देश की जीडीपी पर 6.4 का नेगेटिव इंपैक्ट है, ये चुप रहे। महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी। 2019 तक 100% कवरेज हुआ, 110 मिलियन टॉयलेट। ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी, शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं, इसलिए उपहास का विषय बनाते हैं। आज मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी है कि मैं यहां पर कह रही हूं कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलात्कार होता है, ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रही है। शायद यही लक्षण है कांग्रेस नित अलायंस के कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत माँ की हत्या की बात हो तो ये यहां पर तालियां पीटे, ये कांग्रेस का लक्षण है। इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया कि हम बात करेंगे मात्र एक व्यक्ति से, हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रियों की कार्यशैली पर इनको चर्चा नहीं करनी। और शायद सच भी है, इनका अपना अनुभव है कि इनके यहां पावर का केंद्र बिंदु एक था। यहां पर फर्क यह है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागीदार हैं। इसलिए आज जब गजेंद्र शेखावत जी के मंत्रालय की ओर से टॉयलेट की व्यवस्था होती है तो मैं एक महिला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना कि प्रधानमंत्री जी का। जल जीवन मिशन, महोदय, हमारे देश में जब इनकी सरकार थी तो मात्र 3 करोड़ परिवारों तक नलके से पानी पहुंचता था। अब 2019 का आंकड़ा कहता है कि आपने तब तक 9.5 करोड़ तक पानी पहुंचाया और अब लगभग 19.40 करोड़ और 12.40 करोड़ तक आपका पानी नलके से पहुंच चुका है। लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉयलेट बना, महिलाओं का शोषण कम हुआ, देश की साधारण महिला का सम्मान बढ़ा, तो इनसे इनका कोई सरोकार नहीं, स्पष्ट है। गरीब के घर में नल से जल पहुंचा तो कांग्रेस का उसका कोई सरोकार नहीं, ये स्पष्ट है और सही है। हमारा सरोकार है, देश हमारा है, सेवा हमारी है। आज ये उत्तेजित है कि मैं इस सदन में मंत्रिमंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूं। एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हूं जो वर्तमान में नहीं है। जनधन के माध्यम से 23 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला, ये इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता, ये मुझे स्वीकार है, ये हमारे लिए अहम है। मुद्रा के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को, जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे, जिनके पास कांग्रेस की पर्सनल डायलिंग मशीन नहीं थी, उनको मुद्रा का लोन मिला। 27 करोड़ लोन महिलाओं को दिए गए, महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया मुद्रा के माध्यम से। इनका उससे कोई सरोकार नहीं।
8 करोड़ नौजवान हमारे राष्ट्र के इतिहास में फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बने, इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 1,80,000 अकाउंट्स में स्टैंड अप इंडिया का 40,000 करोड़ का पैसा दिया गया। 80% महिलाएं, प्लीज क्या तरीका है? वह अपनी बात कह रही है, तथ्यों के आधार पर कह रही है। आपको खंडन करना है तो आप बोलना, जब तथ्यों के आधार पर करना गलत बात है। नौ गलत। माननीय मंत्री जी की अनुमति से सर मैं पुनः बोलूं, तो जैसा कि मैंने कहा, महिला का अगर आर्थिक सामाजिक उत्थान होता है तो इससे इनको कोई सरोकार नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तब मात्र 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्होंने 80,000 करोड़ का लोन दिया। हमने 9 करोड़ महिलाओं को 5 लाख करोड़ की आर्थिक व्यवस्था करके दी देश के सेल्फ हेल्प ग्रुप में। यह हमारा अभिमान है। जो आज महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बंद करो सर। जब इन्होंने महिला संबंधित बजट की व्यवस्था की तब इनके कार्यकाल से 130% ज्यादा बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को समर्पित किया। ये हमारा अभिमान है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों में महिलाओं को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। आज तक 2,60,00,000 महिलाओं ने हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर में सुविधाएं ली। ब्रेस्ट कैंसर में 12 करोड़, सर्विकल कैंसर में 8 करोड़ महिलाओं ने स्क्रीनिंग कराई। इनका उससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि इनका उनसे सरोकार है दिल्ली में, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू ही नहीं की, इनका उनसे सरोकार है। देश में मोदी सरकार में 3,84,00,000 घर बने, जिनमें से 2,86,00,000 महिलाओं को मिले। इनका उनसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि गरीब महिला लखपति दीदी बन गई, वो हमारा अभिमान है, इनका नहीं। हमारे देश में 8,50,00,000 बेटियों ने समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूल में सेवा ली, मुफ्त टेक्स्ट बुक की सेवा ली। बेटियां का ये उपलब्धि हमारा अभिमान है, इनका नहीं। 5,00,000 से ज्यादा बेटियों के लिए स्कूलों में अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हुई, ये इनका अभिमान नहीं, हमारा अभिमान है। हमें अपनी बेटियों पे गर्व है। 5,00,000 दिव्यांग बेटियों को मंथली स्टाइपेंड मिलता है। ये सेवा हम देश की बेटियों को दे सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभु का उपकार है। 1,28,000 बेटियों को मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दी जाती है, 12,000 रुपए की हर साल। ये सेवा का मौका परिवारों ने हमको दिया। 2,00,000 से ज्यादा बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज एलिमेंट्री एजुकेशन में बेटियों की एनरोलमेंट 100% है इस देश में। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आज पहली बार फीमेल एनरोलमेंट उच्च शिक्षा में, महोदय, 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है महिलाओं का। ये देश के लिए गौरव की बात है। आज दलित बेटियों का एनरोलमेंट बढ़ा है 38%। दलित बेटियों का उल्लेख करती हूँ, ये चिल्लाते हैं इनको दलित बेटियों से सरोकार नहीं, हमको है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदिवासी बच्चे, लड़कियां, 63% उनका एनरोलमेंट बढ़ा, महोदय। आदिवासी बच्चों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं, आदिवासी बेटियों ने हमारे प्रधानमंत्री को सेवा का मौका दिया, ये हमारे लिए प्रभु की असीम कृपा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो महिला ने नॉर्थ ईस्ट में
34% की इंक्रीज हुई है इनरोलमेंट में। नॉर्थ ईस्ट के मेरे सभी साथियों को, चाहे वो सदन में कहीं भी बैठे हों, महिलाओं की दृष्टि से मैं अभिनंदन देती हूं। आज हमारे देश में महिला जो पीएचडी करती है 99.2% की वृद्धि हुई है एनरोलमेंट में पीएचडी करने वाली महिलाओं में। ये हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के नाते गौरव की बात है। आज जो महिला शैक्षिक संस्थानों में सेवा दे रही, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में 66% उनकी वृद्धि हुई है। आप हो करते जाएं, हम तो उनके लिए बल्ले बल्ले ही करेंगे। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ईपीएफ में 28,70,000 महिलाओं ने अब अपने आप को सब्सक्राइबर बनाया है। आज 2017 से लेकर 22 तक लगभग 1400 महिला साइंटिस्ट को भारत सरकार की विविध स्कीम्स के अंतर्गत सहयोग मिला है। आज महिलाओं को मैटरनिटी लीव में 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है। आज महिलाओं ने, 3 करोड़ बेटियों ने, महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 13,700 करोड़ रुपया अपने बैंक के खाते में पाया है। इस सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार और बेटियों का अभिनंदन। आज हमारे देश की बेटियां सैनिक स्कूल में पढ़ सकती हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को आभार। आज हमारी देश की बेटियां आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन पा चुकी है। हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसी बेटियों का आभार। आज जो महिला और महिला हक के लिए यहां बोल रहे आप विषय पे बोल रही हैं और अविश्वास प्रस्ताव पे सब विषय पर बोल सकते हैं, ये तरीका अच्छा है क्या? बोलिए माननीय मंत्री। वो भी शायद मजबूर हैं, उनको भी रिमोट से डायरेक्शन आया है। इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज एक तरफ हमारी बेटियों ने सैनिक स्कूल में, आर्म्ड फोर्सेस में अपने प्रतिभा के आधार पर देश का गौरव बढ़ाया है, दूसरी ओर बिना किसी पुरुष सहयोगी के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 4,313 मुस्लिम बहनें अकेली हज के लिए गईं और सुरक्षित हिंदुस्तान लौटी। जो महिला हक की बात करते हैं महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, महिला हक को संरक्षित करने के लिए जब हमारी सरकार ट्रिपल तलाक के कलंक को मिटाना चाहती थी, तब महिला के हक में नहीं बल्कि वोट बैंक के लालच में इन्होंने सदन की कार्रवाई को त्याग दिया था। आज जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं महोदय, तो ये कहना उचित होगा कि एक तरफ निर्भया फंड की रचना की घोषणा करते हैं 13 में, एक काम निर्भया फंड में नहीं करते, लेकिन जो निर्भया के बलात्कारी हैं उनको कांग्रेस नित अलायंस के लोग बलात्कारी के हाथ में 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन देते हैं। आज हमें इस बात का गौरव है के देश में 42 प्रोजेक्ट्स 5,000 करोड़ की लगभग लागत से भारत सरकार के सौजन्य से बन रहे हैं। जो महिला सुरक्षा के लिए ये ना कर पाए वो आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत देश के 983 रेलवे स्टेशन पर
महिला पैसेंजर्स के लिए 2400 घंटे सुरक्षा का प्रावधान किया गया। आज कोंकण में वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम की विशेष व्यवस्था महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा के लिए की गई। आज चूंकि रेल मंत्री बैठे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, ये सब भारत सरकार के सौजन्य से महिला सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित की। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या सदन में देश को पता चले। लेकिन कहां गए हैं, वहां पर क्या हालात हैं अध्यक्ष महोदय? गोद भराई के नाम पर राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है। 13 से 20 महीने का गर्भाशय दिखाया जा रहा है राजस्थान में, और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं। ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है। लेकिन इन्हें सरोकार इनके नेता को किससे है? चीन से है। तो चूंकि सब चीन में इतनी रुचि लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, इसलिए आज एक सुखद समाचार भी सुनाती हूं। चीन में 31st यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ। 1959 से लेकर आज तक भारत को मात्र 18 पदक मिले। इस बार 26 मेडल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बच्चों ने स्थापित किया। भारत माँ के टुकड़े के लिए तालियां बजाते थे, भारत माँ के बच्चों के लिए तो बजा दो। 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। आज देश के यूनिवर्सिटी के छात्र देखे कि 31st यूनिवर्सिटी गेम में भारत का नाम रोशन करने वाले छात्रों के लिए मैं गुहार लगा रही हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां अभिनंदन कर दे, लेकिन वो अभिनंदन से भारत के बच्चों को वंचित रखते हैं। बात अभिनंदन की निकली तो एक वो भी थे जिन्होंने आसमान चीरा और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जो व्यक्ति यहां पर भारत की आवाज का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने भारत की आवाज में आवाज मिलाकर तब नहीं बोला जब आतंकी हमला करते हैं, उन्होंने भारत के आवाज से अपनी आवाज को भिन्न करते हुए इस सदन में भारत के रक्षा बलों से प्रमाण मांगा इस सदन में। लेकिन प्रमाण क्यों मांगा? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा होगा, और प्रमाण मांगने का क्या सलीका है? ये मीडिया के मित्रों के माध्यम से आया है ध्यान में देश के। न्यूज क्लिप की आज बात करना थोड़ा मैं जरूरी समझती हूं। न्यूज क्लिप नेवल सिंघम कुछ पत्रकारों को हिंदुस्तान में लिखते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूज सर्कुलेट होनी चाहिए, कैसे चाइना के समर्थन में अलग अलग आर्टिकल लिखने चाहिए,
और इसे एक बार छपवा दो तो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन इसको इकट्ठा करके फिर काम आगे बढ़ाएगा। मेरे एक पार्लियामेंट्री सहयोगी निशिकांत जी ने इस पर जब विषय उठाया तो मैं स्तब्ध हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने डिमांड नहीं की कि अगर कोई बाहरी ताकत का पैसा लेकर हिंदुस्तान में व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है, हिंदुस्तान को कलंकित करना चाहता है तो उस पर कार्रवाई करो, ऐसा कांग्रेस का पक्ष नहीं था। कांग्रेस ने पक्ष ये लिया कि जो निशिकांत दुबे के मुंह से शब्द निकले हैं उनको एक्सपंज कर दीजिए। लेकिन ये जो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन है महोदय जी, जिसके बारे में ना आप ईडी को माने, न्यूयॉर्क टाइम्स को माने, वो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन के जो मुख्य रिसर्चर हैं, उनके वक्तव्य को कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल फेसबुक पर क्यों डालती है ये मैं पूछना चाहती हूँ, जो जानबूझकर भारत के किसानों के हितों के खिलाफ बोलते हैं उनका वक्तव्य ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन वालों का, जो सीनियर फेलो या रिसर्चर है उसका वक्तव्य कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के फेसबुक पर 19 अप्रैल 2019 को क्यों पब्लिश होता है, ये थोड़ा बहुत शोध का विषय है, ये थोड़ा बहुत चर्चा का विषय है जी। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रस्तावना हुई, मैं तो प्रस्तावना के विरुद्ध खड़ी हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर राष्ट्र के सभी नागरिकों के साथ पुनः विश्वास दर्शाते हुए अपना वक्तव्य देती हूं, लेकिन राहुल जी ने किस पर विश्वास जताया? राहुल जी ने विश्वास जताया मुस्लिम लीग पर, कहा सेक्युलर पार्टी है। शायद राहुल जी ने ना पढ़ा हो कि 80 के दशक में मुरादाबाद में 83 लोगों को मारने वाली मुस्लिम लीग, राहुल जी को बताना पड़ेगा सेक्युलर कैसे हुई। राहुल जी को आज जवाब देना होगा कि वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो क्या जेएनयू में जाकर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे रहे थे वो राहुल गांधी की देशभक्ति थी? राहुल गांधी को आज जवाब देना होगा, है तो नहीं, उनको आज जवाब देना होगा जिस अफजल गुरु ने इस संसद पर हमला किया उस अफजल गुरु के संरक्षक समर्थक को कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी का नेता बना दिया, जिसने कहा यह राहुल गांधी की देशभक्ति है। राहुल गांधी की देशभक्ति आज बताती हूँ, इन्होंने घबराइए मत, आप ही की नेता बोलकर गए हैं, घबरा क्यों रहे हैं, बैठिए आराम से बोल रही हूँ। संक्षेप कीजिए। मैं पुनः बोलना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे व्यवधान आए, अब राहुल जी की बात चली है तो कृपा थोड़ी सी कर दीजिए। दोबारा कहती हूँ क्या बोले हैं और क्या बाहर बोले हैं, देश के बाहर गए तो कहा आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में दैट देयर इज गोइंग टू बी अ मार्स अपसर्ज, इंडिया हैज मैसिव अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन, ये राहुल गांधी के शब्द हैं। इसका मतलब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा हिंदुस्तानी सौहार्द की भूमिका में नहीं रहते, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी भाईचारे में इतना विश्वास नहीं करते बिकॉज देर इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन, और राहुल गांधी ने कहा देर इज गोइंग टू बी अ मास अपसर्ज, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन द ऑपोजिशन इफेक्टिवली यूज द अपसर्ज टू चेंज पॉलिटिक्स। मतलब उन्होंने कहा कि देश में उथल पुथल होगी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं विपक्ष इस उथल पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है ये मैं सोच रहा हूं। फिर उनका शब्द है देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। आज पूछना चाहती हूं माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहां कहां गए? अमेरिका गए, तंजीम अंसारी के साथ
जो पाकिस्तानी इमाम जावद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी, मिन्हाज खान, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं, उनका राहुल गांधी ने जाकर विदेश में समर्थन किया। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं, फोटो मेरे पास भी है, इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं, यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ, 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। लेकिन आज दामाद आपका नहीं है, जिनका है वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठ जाइए भाई, जिसका है दामाद वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठिए, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोयले घोटाले में पकड़े गए, 2G में भी पकड़े जाएंगे, बैठ जाइए प्लीज। आप बताइए, पूरी बला की जड़ महोदय, पूरी बला की जड़ परिवारवाद में, और परिवारवाद की राजनीति की जड़ कांग्रेस पार्टी में है। इनके अलायंस के लोग चारा खाते हैं, ये उनके घर मटन खाने चले जाते हैं। इनके अलायंस के लोग रेल की नौकरी के लिए गरीब की जमीन खाते हैं, जाके वो उन्हीं लोगों को गले लगाते हैं। और इनके सब के पीछे एक ही मजबूरी है, जो बड़ी विनम्रता से अजीत दाने भी स्वीकारी कि मजबूरी हमारी कि तीसरी बार जनता कह रही है फिर एक बार मोदी की बारी। ओके, नाउ प्लीज कंक्लूड। तो मैं लिसन प्लीज, ये आज यहाँ पर उल्लेख कर रहे थे किसान की, आप भी बैठिए, आप किस लिए खड़े? ये बात आज कर रहे थे किसान की, तो किसान का क्या हश्र करते हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दें, ये मैं कहना चाहती हूँ उस क्षेत्र की बात, बैठिए बैठिए, जिसकी मैं प्रतिनिधि हूँ, जहाँ पर बैठिए 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 प्लीज बैठिए, दलित प्लीज मांग कर रहे थे विद्यालय की। 1982 में किसानों ने 4 बीघा 2 बिस्वा जमीन इंटर कॉलेज के लिए दी, और अमेठी में धोखे से किसानों की ये जमीन हड़पने वाले फाउंडेशन का नाम गांधी खानदान है। 2016 में राहुल जी दौरे में गए तिलोई, वहाँ पर लोगों ने कहा 200 छात्रों ने सुनिए कि जमीन वापस कर दो, हमारे लिए कॉलेज की व्यवस्था करो। इन्होंने अपने अलायंस पार्टनर के साथ उन छात्रों को जेल भगा दिया, 17 में जेल भगाया। सेठा गौरीगंज में प्रमाण है, आ जाओ गौरीगंज, दूध का दूध पानी का पानी यही कर दूंगी। गौरीगंज सेठा रोड पर जमीन हब जाली, भूसियावा मार्ग पर नरसिंह भानपुर पर मुंशीगंज में जमीन हत्या ली। ये उनका
संस्कार है, जमीन कौन कौन हड़पता है, ये कांग्रेस की गाथा स्पष्ट है। जहां ये है वहां पर आज मैं अभिनंदन देती हूं रेल मंत्री का कि रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी 10,000 कोचेस तब बनी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पीड़ा हो रही है जी। मैं बस इतना बताना चाहती हूं कि आज जो किसानों का दम भरते हैं, बालियान साहब शायद यहाँ नहीं है, मैं अमेठी के किसानों की ओर से विशेष बालियान साहब आपको नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अमेठी में खाद की रैक उतरी जब मोदी आए। इन्होंने न खाद दी, गौरीगंज में किसानों पर लाठीचार्ज करते थे, राजनाथ जी इसके साक्षी हैं। इन्होंने 80% लोगों के पास अमेठी में, जहां 5 दशक इन्होंने राज किया, 80% लोगों को शौचालय नहीं दिया, 60% लोगों के घर में बिजली नहीं दी। और ये आज लोकतंत्र की बात करते हैं, अपनी प्रतिभा की बात करते हैं। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अमेठी का पहला सैनिक स्कूल मोदी जी ने दिया, 7.5 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मोदी जी दे रहे हैं, अमेठी का आज पहला मेडिकल कॉलेज जिसके नाम से इस खानदान ने जमीन हड़प ली थी वो नरेंद्र मोदी ने दिलवाई। आज मैं इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, जो अभी है नहीं, जो 50 साल की उम्र के बाद देश देखने निकले थे, वो देश के किस कोने में वर्तमान में है मैं नहीं जानती, लेकिन इतना एक सेकंड, एक मिनट। और देखिए, आपने एक फिलॉसफर का ये मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव लाया, मंत्रिमंडल उस संबंध में बोलेगा, उनको बोलने का अधिकार है। प्लीज आप बैठ जाइए। मणिपुर पर चर्चा आपने नहीं मांगी है, वो एक विषय है, उस पर चर्चा हो रही है, उसका उत्तर भी आएगा, परंतु नो, प्लीज सिट डाउन। बट व्हाट सर ऑफ द एनिमी हु स्पीक्स स्लाइली, व्हाट ऑफ दैट एनिमी। आज जिनके पास ना नीति थी, ना नियत थी, ना देश के प्रति निष्ठा थी, आज ना जो कभी हिंदू के हुए, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, ना सिखों के साथ जिन्होंने इंसाफ किया, जो ना कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे, ना नौजवान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे, ना किसान के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समृद्धि के लिए समर्पित थे, आज उनसे कहना चाहती हूँ कि जो समर्पित है, जो सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रहा है, उस पर देश को पुनः विश्वास दिखाएंगे, 24 में पुनः मोदी सरकार बनाएंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं निषेध करती हूँ और भारत माँ का जयकारा लगाते हुए जो भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा, और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा।